जय जय माता दी। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है असली वशीकरण मंत्र। जी हाँ, जहाँ पे मैं आप सबको बताता हूँ बहुत ही प्रचंड चमत्कारी वशीकरण मंत्र, उपाय और टोटके। निश्चित तौर पर इसके प्रयोग से आप अपनी प्रेमी प्रेमिका, पति या फिर पत्नी, किसी का भी वशीकरण बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से। आज मैं आपको एक यूनिवर्सल वशीकरण टोटका और मंत्र बताने जा रहा हूं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है दोस्तों कि इसे कोई भी कर सकता है, स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों ही कर सकते हैं जी। और इसमें आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है और ना ही ज्यादा कुछ सामग्री की जरूरत है। बहुत ही आसानी से यह रिजल्ट देता है, इतना आसानी से कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, तो इसके लिए आपको जो सामग्री चाहिए वह है नारियल और लाल कलर का सूती कपड़ा, अगरबत्ती। बस आप नारियल के द्वारा किसी का वशीकरण कैसे कर सकते हैं मंत्र जाप से, यह आज मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो चलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपको पूरी विधि समझ में आए। सबसे पहले आपको मंगलवार के दिन इस विधि को करना है, सिर्फ मंगलवार का है। आपको नारियल ले लेना है, कच्चा नारियल लेना है, सूखा नहीं लेना है दोस्तों, और उसे लाल रंग के अर्थात रेड कलर के सूती कपड़े में रख देना है और फिर अगरबत्ती को भी उसमें रखना है। जी हाँ, इसके बाद आपको एक विधि करनी है और एक मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र बहुत ही प्रचंड और बहुत ही चमत्कारी है और इसका प्रभाव भी उतना ही तेज है। तो आप सबको बता देना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले यह काम कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद निश्चित तौर पर आपको बहुत से उपाय, टोटके इत्यादि मिलने वाले हैं जिससे कि आप किसी का भी वशीकरण आसानी से कर सकेंगे। उसके बाद आपको नारियल को उस सूती कपड़े में बांधकर, अगरबत्ती और नारियल दोनों को बांधना है, उसे बांधकर आपको बहते हुए जल के पास जाना है। वहां पास जाके आपको जो मंत्र है वह आपको डिस्प्ले में भी शो होगा, उस मंत्र को मात्र 21 बार जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, उच्चारण सही रखिएगा तभी आपको सही रिजल्ट मिलेगा। निश्चित तौर पर इसका रिजल्ट अमोघ अस्त्र की तरह है। मंत्र इस प्रकार है, ऐम रीम क्लीम ऐम। उच्चारण को फिर से सुन लीजिए, ऐम रीम क्लीम ऐम। यह छोटा सा बहुत ही प्रचंड और बहुत ही चमत्कारी मंत्र है जो कि बहुत ही तेज गति से असर करता है इंसान के दिलो दिमाग पर। और उसके बाद उस व्यक्ति का नाम लेना है आपको जिसको वश में करना है और उसे ध्यान करना है, ध्यान करके नाम लेना है, अर्थात अपनी कल्पना की शक्ति का प्रयोग करना है, उसका ध्यान करना है चेहरे को और उसका नाम लेना है आपको 3 बार। फिर इसे बहते हुए जल में बहा देना है, उसके बाद देखिए आप इसका प्रभाव। दोस्तों बस इतना कर दीजिए, आपका कल्याण हो ही जाएगा, 100% है, आपका वशीकरण सफल होगा ही। तो सबकी मंगल कामना करता हूं दोस्तों मैं, सबकी मंगल कामना के साथ जय जय माता दी दोस्तों।